This is my PC and it may look like a simple PC but trust me, इसको बनाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। And this is the story of me building my first PC. But before that, let's give it some final touch. So the story goes back in 2022. आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन होने जा रहा। हाँ, ये वही साल है जब इंडिया का मैक्सिमम यूथ अपने बाप के पैसों से आईफोन लेकर उसमें 40 फिल्टर लगाकर सो कॉल्ड सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहा था। एंड आई हेट टू एडमिट दैट बट आई ऑल्सो ट्राइड इट एंड एम्बैरस्ड माई सेल्फ ऑन सोशल मीडिया। और यकीन करो, तुम लोग वो देखना नहीं चाहोगे। इट वॉज हॉरिबल। क्या देखना है? नहीं मत देखो यार, नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके ठीक है ना यार, सबके नाइटमेयर्स होते हैं, भूल जाओ उसको। एट द एंड ऑफ 2020 मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि लग रहा था देश का सारा जीडीपी मेरे अकेले की वजह से गिरा हुआ है। देन 2021 केम एंड सेकंड लॉकडाउन, माय गरीबी एट इट्स पीक एंड आई वाज लाइक बट उसी दौरान मुझे एक चीज का एहसास तो हो गया था। आई डोंट वांट टू डू कच्चा बादाम यार, आई वांट टू डू समथिंग जो कि ऑडियंस को एंटरटेन करे और साथ ही साथ कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे। दैट टाइम आई डिसाइडेड टू बिकम अ वीडियो एडिटर और फिल्म मेकर। एंड वीडियो एडिटर बनने के लिए जो पहली चीज मुझे चाहिए थी वाज अ लैपटॉप और अ पीसी। एंड गेस व्हाट, मैंने बस वही किया जो कोई भी टीनेजर करता, भीख मांगना। I ask every possible person, my parents, my relatives and lot of other people to buy me a laptop or lend me some money. अलग अलग लोग, बट जवाब वही जो हर मिडिल क्लास फैमिली वाले देते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। And I was not even middle class that time. Then lockdown ke baad I came back to Lucknow and started doing my good for nothing job and bought my smartphone. And then maine videos banana chalu kiya and saath hi saath editing bhi on smartphone. And wo koi flagship smartphone bhi nahi tha but usne mera bahut saath diya. Like we lived 24/7 together for last 2 years. Hum dono saath mein sote, saath mein jagte, saath mein editing karte, office mein saath, college mein, bathroom mein कौन फोन लेके जाता है यार। बट फिर हम दोनों को अलग होना पड़ा बिकॉज इट्स टाइम फॉर इट टू रेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एंड देन इट हैपेंड, आफ्टर वेटिंग 2 years एंड डूइंग 2 jobs एट द सेम टाइम फॉर 2 months आई बॉट माई PC। या एट फर्स्ट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था अपने सपनों में, बट माई प्लान वॉज टू बाय मेजर कॉम्पोनेंट्स फर्स्ट एंड देन अपग्रेड ग्रेजुअली। नाउ आई प्रेजेंट यू माई 1 million dirham एडिटिंग सेटअप विच इज नॉट कम्प्लीटेड येट। And if I talk about peripherals, so this is my monitor, no 4K, no 144, just a random monitor, and this is no mechanical keyboard, and here's some high level cable management we have got, this is my 300 rupees cheap mouse, and this is RGB gaming headphone, जो कि मेरे नहीं है, दोस्त के हैं, so that means I don't even have a headphone, and मुझे 2 साल लग गए इस PC को अपने दम पर बनाने। Sounds like a hell amount of time for such decent thing. अब देखो ये कोई बहुत ही ज़्यादा high end PC नहीं है, it's just a basic mid range editing PC जो कि मुझे ठीक ठाक editing करवा देता है। And तुम में से बहुत से लोगों के लिए it means nothing. For people like us, this is वो क्या कहते हैं, dream come true. और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास PC नहीं है, laptop नहीं है, and they want to do editing, graphic designing. Even lot of people don't even have a smartphone to begin with, and they want to do something in life. ज़्यादा sentimental हो रहा है ना? Anyways, I just want to say that कि जिंदगी में कुछ चाहिए तो जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, इट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। एंड अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये 20 साल का चूतिया टीनेजर कौन होता है लाइफ लेसन देने वाला, तो इट्स नॉट अ लाइफ लेसन, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप लिविंग, कीप ड्रीमिंग। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट टू से कि